सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। आपको याद होगा जब मैंने व्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो सिर्फ मेरे दोनों हाथ जो होते थे जेबों में होते थे। अब मेरे दोनों हाथ देखो कितने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो खैर एनीवेज दैट्स एवरीडे फॉर अस। जब भी हमने कहीं जाना होता है तो ये पूरा सामान लेके जाना होता है और सामान से मुराद हमारा बच्चा इंक्लूडिंग। आज हम जा रहे हैं दूसरी वाली गाड़ी में। फाइनली हमने इसमें इसको एक ही दफा बैठाया था बट दिस इज मोर स्पेशियस कार सो वी लाइक दिस वन वे बेटर। आज का प्लान बॉयज एंड गर्ल्स ये है कि हमने जाना है एक फोटो शूट कराने, याद नहीं जिसका मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था पार्टनरशिप की थी मैंने अफसाना के साथ जिसका मैंने लॉकेट वगैरह पहना हुआ है, तो उसका भी हम फोटो शूट करने जा रहे हैं। पहले तो ये प्लान है, उसके बाद एक रेस्टोरेंट में खाने जाना है, उसके बाद एंड में मैं आपको एक बहुत खुशखबरी की न्यूज बताने वाला हूँ जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सारा व्लॉग आपने एंड तक देखना है। एनीवेज हम अपने क्यूटी को रख लें, मेरा खालस हो गया लेट है। गाड़ी में मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी लेकिन हम आ गए हैं यहाँ पे फोर्ट वर्थ है डैलस के अंदर एरिया ना, यहाँ के डाउनटाउन में। बड़ा ही खूबसूरत डाउनटाउन है, बड़ी मुश्किलों से भी हमें पार्किंग मिली है और अभी हम अपने कुकू के साथ भी यहाँ पे है। मैं कुकू का ना जैसे ही गाड़ी रोको ना दिल खराब होने लग जाता है। जब गाड़ी इन मोशन होती है ना बच्चे खुश रहते हैं सो जाते हैं, जैसे ही गाड़ी कहीं पे रुकती है ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, अभी वो नाइसर वाले एरिया पे हम जा रहे हैं, वो काफी प्यारा है। यहाँ से लेफ्ट सीधा ही जाना है। हाँ वो देखो हमारा किच्चू बेचैन हो रहा है, बस जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं जल्दी से, टेंशन नहीं लेनी तूने। टैटू की भी सामने दुकानें हैं, पता टैटू तो नहीं बनवाना गलती से। आप बनवा ले जाके दरमियान में किसका टैटू? मेरे नाम का। तुम्हारे नाम का? वाह, ऐसे कहते हैं एक आपने मीना का बनाया हुआ। मीना का ना कुछ और बनाया हुआ मैंने, मेरा और कोई काम नहीं है। चेक करो जरा, हम ये आ गए हैं रेड स्ट्रीट पे। सारी ये देखो रेड ही रेड दुकान है यहाँ पर, बड़ा आर्टसी सा यहाँ पे सारा वो है। दूसरे भी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी यहाँ करवा रहे हैं अपनी, तो हमने कहा ये लोकेशन अच्छी रहेगी, काफी कूल रहेगी। तो पूरे वो फाउंटेन वगैरह बने हुए यहाँ पे, वाटर गार्डन से बहुत बड़ा प्यार है। अच्छा वाटर गार्डन भी है। हाँ ये है, पिक्चर फ्रेंडली प्लेस है ना, वो देखो कितनी अच्छी बनी हुई है सारी। ओ सॉरी अंकल को देखो कितनी जवानी याद आ रही। हम भी किया करते थे एक जमाने में ऐसे। अब आपका प्यार बस ऐसा ही है, क्या करें। पिक्चरें मैं तुम्हारे साथ खिंचवाने आ रहा हूँ, कपल फोटो शूट। कह रही मेरा प्यार खत्म हो गया हुआ। और ये सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं पानी के साथ। सून ये हमारा भी जब आयोजन बड़ा हो जाएगा इधर लाया करेंगे। फोटोग्राफर शी इज हियर एंड देन वी आर टेकिंग अ पिक्चर। यहाँ से शुरू करेंगे, बैकग्राउंड में होगा, उसके बाद जहाँ जहाँ पे पिक्चर्स लगती जाएंगे ना आपको दिखाते जाएंगे सारा ना कि हम कहाँ कहाँ पे खींच रहे हैं। हमसे पूछी थी तुम लोग छाए तो नहीं है, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल भी छाए नहीं है। चेंज ऑफ लोकेशन, हमने काफी ज्यादा पिक्चर्स ना उधर खींची थी, बीच यहाँ पे एक वैली है, यहाँ पे बड़ी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। ये देखो कैसे इसको मैं उठा के जा रहा हूँ। सुपर डैड बॉस बारों से भरी हुई। गर्ल्स देखो हमें आगे जाते जा रहे हैं और पीछे वाइब्स चेक करो सारी कितनी अच्छी लग रही है, कैमरा एंगल ना वगैरह। वहाँ पे फिजा अपनी सोलो खिंचवा रही है कुकू के साथ। अच्छे बहुत बड़ा फोटोग्राफी स्पॉट है, सारे लोग यहाँ पे आते हैं। इसको कहते हैं सन डैंस स्क्वायर, जो भी मेरी डैलस वाली है ह्यूस्टन वाली है वहाँ में वो यहाँ पे आके पिक्चर्स अपनी खिंचवा सकती है। बहुत आर्टसी फार्टसी माहौल है यहाँ पे भाई, ये देखो जरा। ओए होए होए, फुल हैरी पॉटर वाली वाइब्स है। वो देखो जरा, पिक्चर खिंचवाने में तो मास्टर है भाई, ये मुझे तो पता ही नहीं था। पोजर है अपने माँ बाप की तरह। सिंगल्स द फोटोग्राफी वॉज डन। अब सीन ये कि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो कोई डिसाइड करते हैं कोई अच्छी सी जगह पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद जो मैंने आपसे बात करनी थी अपनी क्लोथिंग ब्रांड के बारे में जो कि फाइनली लॉन्च हो गया है, उसके बारे में हम बैठ के बात करते हैं। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कौन से डिजाइन के साथ मैं फाइनली गया हूँ और अपना थोड़ा सा वेबसाइट का बता दूँ किस तरह आपने ऑर्डर करना है और क्या करना है, वो एंड पे बात करेंगे। फिलहाल पहले हमारे साथ जरा खाने चले आप। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए लेकिन हमें पहले कुकू को डिकार दिलानी पड़ेगी क्योंकि उसको रास्ते में फिजा ना फिटर पे ला रही थी। तो पीछे ये है वो जगह, ये एशिया टाइम स्क्वायर पे मैं पहले भी आपको लाया हुआ था, वो नहीं एनएमए गर्ल वाला ब्लॉग था जो बहुत पहले से देख रहे थे, उधर ही है जगह बेसिकली ना। तो एक मिनट इसको मैं डिकार दिला दूं, ये थोड़ा सा अनईजी हो रहा है। पहले भी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे सारे वो स्टॉल्स लगे हुए थे ना लेफ्ट पे, यहाँ पे ये ओमी बारबेक्यू पे हमने सामने जाना है, तो अंदर जाते हैं फिर बैठते हैं जरा। लेट है आप। एक सीन बैड हो गया, कह रहे घंटे में आपको मिलेगी जगह और मुझे यही डर था क्योंकि ग्रैंड ओपनिंग है ना, नई जगह खुली हुई है। अब हम कोशिश कर रहे हैं हमें यहीं पे और कोई दुकान मिल जाए, दोबारा इसको डालना पड़ता है कुकू को और सारा हमें फिर ना स्ट्रॉलर निकालना पड़ता है। फिर हमें एक हॉटपॉट वाली जगह मिल गई, हमें पहले एक ऐसी जगह पे मैं लाया हूँ, यहाँ पे बेसिकली ये हॉटपॉट होता है, इसके अंदर आप चीजें अपनी डाल डाल के पका के खाते हो, तो हैप्पी लैम एक जगह यहीं पे खा लेते हैं। आ जाओ फिर अंदर चलो। ऑप्शंस 5 मीट्स की हैं, एक पोर्क एक चिकन है
दो बीफ है और एक लैम्ब है, तो हमने वो लैम्ब और बीफ मंगवा लिया है और चिकन उसके साथ। अभी ना पीछे एपेटाइजर्स और सी फूड और नूडल्स हैं, तो वो आपको जाके चेक कराता हूँ मैं जरा। बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो सारे सी फूड है ना, ये इसमें इंक्लूडेड होगा। हॉट पॉट की हमने दो बेसिस मंगवाई है, तो उसमें डाल के ना फिर हम ये सारे सी फूड खाएंगे। तो अभी मैं पहले चेक करा दूँ आपको और डालूंगा मैं बाद में। तो ये नूडल्स की सारी ऑप्शन है जो आप डाल सकते हो उसके अंदर पका पका के। ये इनकी वही वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीजें, फ्राइड चिकन वगैरह, राइस भी पड़े हुए हैं। बस दो तरह के ब्रॉथ्स आ गए, टोमेटो आ गए और ये ओरिजिनल उनका ब्रॉथ है, ठीक है। उसके साथ हमारे साथ मीट्स है, हमारे पास बीफ है, लैम्ब है हमारे पास, वो भी बीफ है, ठीक है सामने। और ये तो मैं साइड पे चीजें लेके आया था, और ये साइड पे नूडल्स वगैरह मैं लेके आया हूँ। हमारे पास कच्चू है छोटा सा, इसको भी हम खाएंगे साइड पे। जब इसमें बेसिकली उबाल आएगा ना, हम इसको तब खाएंगे, इसके अंदर चीजें डालेंगे। अभी उबाल लिए हैं ना इसके अंदर, मुझे बार बार उधर भी देखना पड़ता है, मेरी तो देख रहा है रोल। बहुत ही चौकस रोल है, रियली गुड टेस्ट बॉय। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयल होना रेडी हो गया है। हम पहले डालेंगे ये वाला मीट, क्योंकि ये सबसे तेज लग रहा है पकेगा। आधे टोमेटो वाले में डाल लो, आधे ओरिजिनल वाले में डाल लो। ये जल्दी पक गए, इसमें मुझे एक एक डालना पड़ेगा। तुम कह रहे हो इसको होल्ड करके रखो। ये देखो पक गया है, ये तो ऑडियंस से भी देख लिया, इतनी जल्दी तुमने बना लिया। अच्छा देखो, देखते कितना सच है इसमें। Oh my God, सही है। ये पहला हॉट पॉट है जो शायद मैंने अपनी लाइफ में अच्छा खाया। हैप्पी लैम्ब हॉट पॉट वाली जगह ये ग्रैंड पेरी के, वेरी वेरी गुड। तो क्या हुआ? मैंने कहा था उसको ऐसी जगह पे रख के फिजा के मुंह पे धुआं जाए सारा। और मैं और कच्चू सेफ है यहाँ पे भाई, ये तो बना के खाओ, उतना मजे का सीन है। हॉट पॉट देखो इतना बड़ा है, बंदा पूरे बारात को खिला ले, और जितना मर्जी मंगवाओ, ऑल यू कैन ईट भी है। मंगवाई जो लैम्ब जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मजा ही आ गया। मैगी नूडल नहीं होते थे वो टोमेटो वाले, उसका वो एक नेक्स्ट लेवल एलीट लेवल है। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, हम यहाँ पे खाना शाना सारा खाते हैं, फिर घर जाके अपनी क्लोथिंग की और सारी बातें करता हूँ जो मैंने करनी है। Later that same evening. हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, जिस चीज का आपको इंतजार था, शर्ट्स फाइनली मेरी अब रेडी हो गई है, लॉन्च होने वाली है। तो मैंने साथ फिजा को भी इसलिए बिठाया क्योंकि फिजा ने भी एक मेरी तरह की शर्ट पहनी हुई है। नाउ अब ये जो आप शर्ट देख रहे हो ये इस तरह की नहीं होंगी, कुछ थोड़े से डिफरेंसेस है जो आएंगे। तो मैंने जो लास्ट वीडियो लगाई थी ना, उसमें काफी ज्यादा मैंने फीडबैक लिया था आपके कॉमेंट से। कुछ लोगों ने कहा था मुझसे, भाई एनएमए के फैन नहीं है तो हमें सिंप्लिसिटी वाली भी शर्ट चाहिए। दो मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि मैं अभी आपको ये आईपैड पर अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ किस तरह की है सारी ना। अब जो फिजा की शर्ट है ना वो डिफरेंट है, ओवर साइज में आई हुई है, लेकिन अभी जो शर्ट है ना वो इसी तरह की निकलेंगी फिटिंग वाली। मैंने ये भी पहन के देखी थी, ये भी इसी तरह फिट में आ रहा था। ये ज्यादा बॉक्सी है, ज्यादा वो है, ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी। ये जो है बहुत बड़ा है, ये भी बहुत भरा, बहुत बड़ी है, ये भी सारा फिक्स है। बेसिकली ये दोनों सैंपल्स थे, तो मैंने ये भी पहन के देखा था इसी आउटफिट जीन्स के साथ सारा कुछ, एंड इट लुक्ड फाइन। हाँ, तो वो ओवरसाइज वाला है। हाँ, तो बेसिकली जो शर्ट है ना जो लड़कियां की थी हमारे लिए भी बनाई, यूनिसेक्स है। ये फिजा यूनिवर्सिटी भी पहन के गई थी शर्ट, तो उसको काफी अच्छी लगी थी। हमारी इवन एक वीडियो है जो हम लोगों ने बनाई थी, हम दोनों ने सेम शर्ट पहनी थी। हाँ, वो भी लोग पूछ रहे थे, वो हमने वो जो मैंने फिजा को स्पिन वाली वीडियो बनाई थी। तो खैर एनीवेज, अब इसमें कुछ चेंजेस है। काफी ज्यादा लोग कह रहे थे जो शर्ट की लेंथ है ना वो छोटी है, तो लेंथ को मैंने 1 इंच इंक्रीज करवा दी है, ठीक है। दूसरा, अब एम्ब्रॉयडरी है ना जो मैं जिसकी बहुत देर से बात करता, अनफॉर्चुनेटली मैंने एम्ब्रॉयडरी निकाल दी। एम्ब्रॉयडरी ना अंदर से कुछ लोगों को हो रहा था कि चुभ रही थी, एम्ब्रॉयडरी के कलर्स नहीं कुछ जो वेंडर्स सही कर पाए थे वगैरह वगैरह। एंड देन थिक लगता और थिक, हाँ एक और मसला है थिक भी है, जैसे जब वॉश होती है ना तो ये फिर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है एम्ब्रॉयडरी का, ये सख्त हो जाता है। तो अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, बट जो प्रिंट अब मैं करवा रहा हूँ ना वो मैंने लीवाई के जो बना हुआ है ना इसके ऊपर, इसको मैंने खुद अपने आईपैड पर दोबारा पेंट करके डिजाइन किया, तो ये इस तरह का कुछ लगेगा आगे जाके ना। और उसके बाद जो पीछे विंग्स ऑफ फ्रीडम वो उसी तरह का ही होगा, फिजा के भी उधर पीछे बना हुआ है, तो ये ऐसे कूल लगेगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द शर्ट्स डिजाइन। उसके बाद फिर 5 और डिजाइन हैं जिसके साथ मैं गया हूँ। जो लूफी वाला था ना, वो जो येलो रंग वाला डिजाइन था, वो मैंने अवॉइड कर दी, खत्म कर दी, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा कार्टूनिश हो गया था। टोजी की जो ग्रीन वाली शर्ट थी उसमें मैंने पीछे से टोजी हटा दी बेसिकली। उसके बाद मैंने जोरो वाली शर्ट रखी है, उसका मैंने कपड़ा मोटा करवा दिया, उसका प्रिंट बेहतर करवा दिया, और उसका जो आगे वाला ना वो भी प्रिंट होगा। अब एम्ब्रॉयडरी कहीं भी नहीं हो रही, सिर्फ आगे सारे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, आगे भी पीछे भी, लेकिन वो जो प्रिंट आउट होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। बेस्ट थिंग इज शर्ट्स की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी होगी। हाँ, होगी, क्योंकि मैंने सारी शर्ट की क्वालिटी बिल्कुल, ये जो कपड़ा है ना थिक है प्रॉपर ना, और मजे का कपड़ा, ये नहीं थिक कि इसमें आपको गर्मी लगेगी, बट इट्स जस्ट वेरी गुड क्वालिटी एंड कंफर्टेबल टू वेयर, ठीक है। द वेबसाइट नेम इज zenmato.com, राइट, home@zenmato.com, राइट। तो कुछ आपको वेबसाइट इस तरह की नजर आएगी, वैसे तो मैं स्क्रीन पे ही दिखा सकता हूँ। अब आप वेबसाइट पे जैसे जाते हो तो आपको ये ऊपर जो समुराय बना नजर आते हैं, मेरे भाई ने खुद डिजाइन किया था। इस पर आप अकाउंट वगैरह नहीं बना सकते, बट मैंने बस कहा था आप खरीदो, चीज चेकआउट करो, आपको मेल आ जाएगी।
जाएगी। बट एनी वेज पहला आप डिजाइन देख सकते हो अटैक ऑन टाइटन विंग्स ऑफ फ्रीडम वाला, ठीक है, आगे से इस तरह पीछे से इस तरह। इसकी प्राइस है $24 एसेंशियली, ठीक है। और जो जोरो की किंग ऑफ हेल टी शर्ट है ये भी $24 की है, ठीक है। फिर वो नीचे आ जाती है तांजीरो डांस ऑफ फायर वाली, ये जो है ना आगे, ये भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है क्योंकि उसका एम्ब्रॉयडरी अजीब बड़ा सा था, तो वो हमने छोटा प्रिंट करवा रहे हैं। और साथ इसके नीचे वो जैपनीज लेटर्स भी होंगे, ठीक है, वो जो लिखे हुए जो काफी कूल लगते हैं। एक आ जाती है टोजी की, ये उसके पीछे से जो हमने ना टोजी बिल्कुल हटा दिया क्योंकि वो बड़ा कार्टूनिश लग रहा था। आप लोग कह रहे थे मूसा भाई आप मिनिमलिस्टिक चीज को करते थे लेकिन अब आप यू नो अपना आइडिया चेंज कर रहे हो, तो मैंने पीछे बस वो ज़ेनमाटो को टैग कर दी जो कि बहुत कूल लगेगा। उसके बाद जो लोग कह रहे थे कि हमें सिंपल डिजाइन चाहिए, उसके लिए हमने रखा हुआ है ये ज़ेनमाटो वाला जिसमें ब्लैक शर्ट में मिल रहा है आपको लोगो, और एक हमने रखा है व्हाइट वाला इसमें व्हाइट शर्ट में आपको ब्लैक लोगो मिल रहा है, पीछे से प्लेन है। अब लेट्स से आपने अटैक ऑन टाइटन की शर्ट खरीदनी है, राइट, तो आप इस पे जाओगे क्लिक करोगे और आपको ऑप्शन आ जाएगी कि आपने कौन सा साइज सेलेक्ट करना है। साइज मैंने 5 रखे हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज तक, एक्स्ट्रा स्मॉल फॉर एग्जांपल डालिए, राइट। नीचे फिर आप इसको ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट करके आप चेकआउट का ऑप्शन दबाओगे, राइट। चेकआउट का ऑप्शन जब आपने दबाया तो ये आपका आ गया। तो आपने इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना पूरा एड्रेस वगैरह डाल लिया। सॉरी टू से जो पाकिस्तान और यूएसए से नहीं है वो थोड़ा इख्तलाफ करेंगे लेकिन अभी सिर्फ ये अवेलेबल पाकिस्तान और यूएस में है। आप इसमें से दो कंट्री चूज कर दो, पाकिस्तान या यूएसए। अब यूएसए वालों का थोड़ा सा सीन बैड है क्योंकि यूएसए वालों को टैक्स पड़ता है स्टेट के हिसाब से एंड शिपिंग की भी कॉस्ट पड़ेगी। मैं पाकिस्तान से ये चीज मंगवा रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर आई हैव फ्री शिपिंग, पाकिस्तानियों को फ्री शिपिंग में कह रहा हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। अब आप इसको दो तरह से पे कर सकते हो, स्ट्राइप से कर सकते हो या फिर पेपैल की सारी सर्विस है, पेपैल वेनमो, जो यूएसए वाले उनको पता होगा वेनमो पेपैल और डेबिट क्रेडिट कार्ड से। लेकिन स्ट्राइप की ऑप्शन अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डालो और उसकी इन्फॉर्मेशन डालो और आपको आप इस चीज को खरीद सकते हो, ठीक है। शिपिंग टाइम जो है दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, तो जो शिपिंग टाइम होगा ना वो थोड़ा सा लंबा होगा माजरत के साथ क्योंकि अभी शर्ट्स प्रोडक्शन के अंदर हैं, तो 7 दिन या 6 दिन या 7 दिन शर्ट्स को लगे प्रोड्यूस होने में। लेकिन उसके बाद सीधा मेरे पाकिस्तान वाले वेयर हाउस में जाएगी, वहां से डिलीवरी होने लग जाएगी। इन ईच ऑफ यू इंशाल्लाह विल गेट अ थैंक यू कार्ड अलॉन्ग विद इट विद योर नेम। यू आर गोना बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट एवर लॉन्च बाय मूसा खाना योर्स ट्रूली। और लिमिटेड ऑप्शन आई मीन लिमिटेड शर्ट्स बनवाई है, तो जितना जल्दी हो सके आप इनको ऑर्डर करें ताकि स्टॉक से बाहर ना हो जाए। बाकी अमेरिका वालों तुम लोगों थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि 7 दिन में शर्ट की प्रोडक्शन हो रही है 6-7 दिन में, और फिर अमेरिका आते आते इसको 5-6 दिन और लगेंगे, ठीक है, 5-6-7 दिन। तो प्लीज बी पेशेंट विद मी, आई नो इट्स गोना बी अ लॉन्ग टाइम बट इट्स गोना बी वर्थ इट। अगर आपकी डिलीवरी बहुत लेट होगी ना तो मैं आपको नेक्स्ट वाले ऑर्डर पे 50% ऑफ कर दूंगा, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है। लेकिन इंशाल्लाह इतनी देर होगी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो खैर अगेन लड़का और लड़कियों के लिए दोनों के लिए है। जो लड़कियां मिनिमलिस्टिक स्टाइल चाहती थी और जो एनिमे नहीं पहनना चाहती थी उनके लिए भी ये बेस्ट है। दिस इज वे टू बिग, लेकिन जो अब नए डिजाइन है वो छोटे होंगे अच्छे होंगे, तो आप लोग भी आराम से पहन सकती हैं एंड वेरी कंफर्टेबल। मैं पहन के यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, हैंग आउट करने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, आई एम वेयरिंग दोस, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ये एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीस शर्ट्स इज देयर आल्सो यू कैन वेयर टू द जिम एज वेल बिकॉज दे फिट यू रियली वेल। और फिर आप इसको बाहर किसी भी अच्छी जगह पे भी पहन के जा सकते, क्वालिटी इनकी इतनी अच्छी है, ठीक है। अब मतलब लड़कों में ये फिट में आ रही है, लड़कियों में ऑब्वियसली थोड़ी सी बॉक्सी आएगी बट दैट्स द फैशन, दैट्स द थिंग। हां लड़कों को फिट आती है, लड़कियों के बाजू इतने फिल नहीं होते, उनको थोड़ा सा खुली आएगी बट दैट्स द थिंग अगेन, जिस तरह फैजाने का। और एक और चीज आपको उसको अभी विंटर्स आएंगी तो आप इसको जैकेट के साथ पेयर कर सकते हैं। अब मैंने जैकेट अभी मेरी सारी सर्दियों के माल में पड़ी हुई है, इमेजिन वेयरिंग अ लेदर जैकेट ऑन टॉप ऑफ इट, या फिर आप कोई पफर जैकेट पहन रहे हो, कूल सी जीन्स है नीचे बूट्स के साथ। जो लोग कह रहे हैं कि एनिमे डिजाइन हमें और चाहिए, हमें गोजू सातुरु या हमें नारुतो के चाहिए, भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब निकालूंगा और मैं हर एनिमे कैरेक्टर का नहीं डिजाइन निकालूंगा, ओनली चोजन वंस जो मुझे अच्छे लगेंगे, ठीक है, खुद डिजाइन करके। और मैं खुद डिजाइन करता हूँ ये, मैं ये लिटरली ये दिखाता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इस पे, खैर मैं डीमन स्लेयर का भी एडिट कर रहा था बैठा हुआ, लेकिन वेयर इज इट, तो ये लीवाई का जो मैंने आपको दिखाया था, बेसिकली दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। ये मैं एक टेंगिन की स्वॉर्ड्स हैं ये वाला ड्रॉ कर रहा था आगे आने वाले डिजाइंस के लिए, मे बी आई डोंट नो। उसके बाद ये ड्रैगन बॉल जी का मुझे बड़ा पसंद आया था, शेनरॉन का डिजाइन एज यू कैन सी। ये मैंने ज़ेनमाटो का बैठ के बनाया था सारा, जो वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। आगे वाले डिजाइन में बर्जर्क का बनाऊंगा, गोजो का बनाऊंगा फ्रॉम जुजुत्सु, और मे बी नारुतो का और कोई निकलेगा, विल सी। एंड ऑल्सो बिफोर यू गो एंड स्टार्ट ऑर्डरिंग, हुडीज भी मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। मैंने एक हुडी का बहुत सेक्सी हुडी का प्लान किया हुआ है जो आजकल फैशन में बहुत इन चल रही है, वो मिनिमलिस्टिक होगी, नो एनिमे डिजाइन, बट इट्स गोना बी विद द ज़ेनमाटो टैग एंड इट्स गोना लुक रियली रियली कूल। अगेन यूनिसेक्स होगी वो, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट ऑर्डरिंग बॉयज एंड गर्ल्स,
Zenmato का जो .com का वेबसाइट का लिंक है वो नीचे लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और इंशाल्लाह आप लोग जो जो बाय करोगे आगे जाके आप लोगों ने मुझे उधर वेबसाइट पे रिव्यू डालना है इंशाल्लाह, अपने पिक्चर्स भी भेज देना, और अपने पिक्चर मुझे इस वाले ईमेल पे musakhantt@gmail.com इस पे आप मुझे अपनी पिक्चर्स भी जरूर भेजना, आई वुड लव टू सी देम। मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी इंशाल्लाह आगे स्टोरीज पे या मे बी पोस्ट के अंदर भी फीचर करूंगा, जो आप लोग खरीदोगे तो अपना रिव्यू दोगे, अपनी वीडियोज में अपनी यूट्यूब वीडियोज में फीचर करूंगा इंशाल्लाह। इवन इफ यू कैन अफोर्ड इट राइट नाउ इट्स फाइन, इंशाल्लाह जब भी आप करो तो जरूर बाय करना, एंड यार इट विल बी अ बिग थिंग फॉर अस, दिस इज माय फर्स्ट एवर ब्रांड एंड हु नोस शायद ही मुझे क्लोथिंग की दुनिया में आगे ले जाए और आप लोग इस जर्नी का पहला पार्ट बन रहे हो। अगेन मैं फीमेल ऑडियंस को भी इसमें लाना चाह रहा हूँ बिकॉज दे फेल्ट लेफ्ट आउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और इंशाल्लाह zenmato.com का नीचे लगा हुआ लिंक, स्टार्ट ऑर्डरिंग बिफोर दे गो आउट। अभी मैंने लिमिटेड निकाली है, इतनी ज्यादा शर्ट्स निकाली। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।